नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं खेती की ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आदामा इंडिया लिमिटेड के प्लेथोरा इंसेक्टिसाइड के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस इंसेक्टिसाइड में क्या खास दिया गया है और इंसेक्टिसाइड हमारे फसल पर कैसे कार्य करता है और इंसेक्टिसाइड को हम किन किन फसलों में छिड़काव कर सकते हैं और इंसेक्टिसाइड किन किन कीटों को पूरी तरह नियंत्रित करता है और इसके डोज, प्राइस और रिजल्ट टाइम के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और उसके साथ आज हम जानेंगे कि इसी सेम मिश्रण का अन्य कंपनियों का किन किन नाम में आता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो का अंतिम तक देखें और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ऐसी कृषि संबंधित नई नई जानकारी पाने के लिए। तो किसान भाइयों, आदामा का प्लेथोरा तो शक्तिशाली इंसेक्टिसाइड का मिश्रण है। प्लेथोरा इंसेक्टिसाइड में टेक्निकल है नोवालुरॉन 5.25% प्लस इंडोक्साकार्ब 4.5% SC। ये इंसेक्टिसाइड एक सस्पेंशन कंसनट्रेट के फॉर्म में आता है, मतलब एक गाढ़े लिक्विड के फॉर्म में आता है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है जो लेपिडोपेट्रान समूह के कीटों को बहुत ही अच्छी तरह नियंत्रित करता है। प्लेथोरा इंसेक्टिसाइड संपर्क और पेट क्रिया से कीटों को नियंत्रित करता है। इसमें जो टेक्निकल दिया गया है नोवालुरॉन 5.25%, यह है बेंजोइल फिनाइल यूरिया समूह से संबंधित है। यह एक IGR कंपाउंड भी है। यहाँ पर IGR का मतलब इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब ये इंसेक्टिसाइड एक कीट विकास नियंत्रक है जो कीटों के जीवन चक्र को प्रभावित करता है, जिससे कीटों से आगे होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। ये इंसेक्टिसाइड कीटों में होने वाले चीटिन संश्लेषण प्रक्रिया को बाधित करके कीटों को मारता है। और इसमें जो दूसरा टेक्निकल दिया गया है इंडोक्साकार्ब 4.5%, यह है ऑक्साडायाजिन समूह से संबंधित है जो कीटों के नर्वस सिस्टम, मतलब कोशतंत्रिका में सोडियम आयन के प्रवेश को रोकता है, जिससे वो जो कीट होता है वो पैरालाइज्ड, मतलब निष्क्रिय हो जाता है और कुछ ही समय में वो जो कीट होता है वो मर जाता है। प्लेथोरा इंसेक्टिसाइड हमारे फसल पर फाइटोटोनिक इफेक्ट भी डालता है, जिससे हमारा फसल हरा भरा दिखता है और उपज में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। प्लेथोरा इंसेक्टिसाइड को हम आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले सभी इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और प्लांटोनिक के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। अगर बात करें इसके रेनफास्टनेस के बारे में, तो प्लेथोरा इंसेक्टिसाइड छिड़काव के 2 से 3 घंटे के बाद अगर बारिश होती है तब भी हमको इसका 100% रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके फसल छिड़काव के बारे में, तो प्लेथोरा इंसेक्टिसाइड को हम सभी सब्जी वर्गीय फसल और अनाज वर्गीय फसलों में हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर बात करें इसके इंसेक्ट कंट्रोल के बारे में, तो प्लेथोरा इंसेक्टिसाइड फ्रूट बोरर, स्टीम बोरर, लीफ ईटिंग कैटरपिलर्स, तंबाकू कैटरपिलर्स, कॉटवर्म, अमेरिकन बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म और पोड बोरर को पूरी तरह नियंत्रित करता है। अगर बात करें इसके डोज के बारे में, तो प्लेथोरा इंसेक्टिसाइड को 40 ml प्रति 20 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में 400 ml मिलाकर छिड़काव करें। इससे आपका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा आता है। और अगर बात करें इसके रिजल्ट टाइम के बारे में, तो प्लेथोरा इंसेक्टिसाइड का असर हमारे फसलों पर 15 दिन तक देखने को मिलता है। अब हम इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे, तो प्लेथोरा इंसेक्टिसाइड का जो 500 ml का पैकिंग है वो आपको 1400 से 1500 रुपये में मिल जाता है। अब हम बात करेंगे किसी सेम मिश्रण का अन्य कंपनियों का किन किन नाम में आता है। तो आप इसी सेम मिश्रण का HPM केमिकल्स का हिंथोरा इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं, या फिर भारत इंसेक्टिसाइड लिमिटेड का बिल्टोरा इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं, या फिर UPL इंडिया का नोवाकार्ब इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि प्लेथोरा इंसेक्टिसाइड में जो टेक्निकल होता है इन तीनों में वही सेम टेक्निकल होता है, सिर्फ कंपनी अलग होने से इनके नाम अलग अलग होते हैं। तो किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।